श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में 5 दिसंबर को उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें एक शूटर मकराना का रोहित और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी नितिन फौजी है। उसी ने गोगामेड़ी के सिर में गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि नितिन नवंबर में छुट्टी लेकर घर आया था, फिर वो चला गया। घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि नितिन कहां गया। जब गोगामेड़ी हत्याकांड का वीडियो सामने आया तो परिवार वालों ने नितिन को पहचाना। सूत्रों के मुताबिक नितिन फौजी सेना में है और महेंद्रगढ़ जिले के गांव दोंगड़ा जाट का रहने वाला है। वह नवंबर में ही छुट्टी पर आया था। इसके बाद 9 नवंबर को वह अपने घर से गाड़ी ठीक कराने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद वापिस नहीं लौटा। उसके बाद से ही उसका परिजन से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। नितिन का नाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में सामने आने के बाद पुलिस ने भी यहां दबिश दी है। हरियाणा में रेड करने पहुंची पुलिस टीम से यह भी पता चला है कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बारे में 10 महीने पहले इनपुट मिला था। पंजाब पुलिस ने यह इनपुट राजस्थान पुलिस को भेजा था। इसमें बताया गया था कि बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रच रहा है। पंजाब पुलिस ने यहां तक बताया था कि उसने हत्या के लिए एक AK-47 का इंतजाम कर लिया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की साजिश 1 साल पहले सिकर में हुए राजू ठेठ हत्याकांड से मिलती जुलती है। जिस तरह सेल्फी के बहाने करीब पहुंचे बदमाशों ने ठेठ की हत्या की थी, उसी तर्ज पर गोगामेड़ी मर्डर को अंजाम दिया गया। सुखदेव के करीब जाने के लिए शूटर 2 साफे खरीद कर लाए थे। पुलिस से सुरक्षा नहीं मिली तो उन्होंने खुद ही 6 निजी गार्ड तैनात कर रखे थे, लेकिन आचार संहिता के कारण हथियार जमा होने से गोगामेड़ी ने 5 गार्ड को छुट्टी पर भेज दिया था।